हेलो एवरीवन, आवर टुडेस टॉपिक इज टिश्यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज टिश्यू, सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 9। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड चैप्टर टिश्यू, मच मोर कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली टू द सेल। चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल दैट इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। बट if we are talking about the tissue, whether it is plant tissue or animal tissue, it is the group of specialized cell which are same in structure and together perform the same function. For example, बहुत सारी cell है ये, ठीक है, ये बहुत सारी cell है और ये सब मिलके एक same structure है इनकी, therefore they perform the same function, right? For example, the cells of our eye are same in structure, shape, size, therefore they perform the same function, that is sight. Okay, and these are completely different from the cells of our nose. The cells of our nose are same in shape, size and structure, therefore they perform the same function of sensation of smell, right? So the tissues of eyes are same and they perform the same function, and the tissues of ear or nose or stomach or intestine are same, but they are completely different to the another organ. ठीक है, so if we are talking about the tissue, you all know plant tissue are present in plants and animal tissues are present in animal cell, just like the plant cell and animal cell. Okay children, so first of all we are taking the plant tissue here. Today we are taking the plant tissue. Okay, and plant tissue is divided into two parts, right? First is meristematic tissue. And another one is, second one is permanent tissue. ठीक है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। Okay children, so this is the complete part of meristematic tissue. Second one is permanent tissue. It is also further divided into two parts. A, simple permanent tissue. And B is complex permanent tissue. ठीक है बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। Okay, complex permanent tissue is further divided into two, xylem and phloem. और इसके भी parts हैं बेटा, four components हैं, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? So this is the complete table of the plant tissue. You can draw from here, or if you have drawn, very fine. अगर आपने नहीं draw किया है, तो आप यहाँ से draw कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, so टुडे वी आर टेकिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये सारा पार्ट आपको समझाने के लिए था, अभी मैं ड्रॉ कर दे रख कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी बोर्ड की जरूरत है थोड़ा। आज तो हम ये वाला ले रहे हैं पार्ट, ठीक है, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
दीज आर प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग रीजन, जहां पे भी ग्रोथ हो रही है, स्टेम में ग्रोथ हो रही है, लीफ में ग्रोथ हो रही है, रूट में ग्रोथ हो रही है, फ्लावर्स में ग्रोथ हो रही है, फ्रूट में ग्रोथ हो रही है, जहां पर भी ग्रोथ हो रही है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग रीजन और दे कंटेन द सेल्स और इट इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू और द सेल विच हैव द पावर ऑफ डिवाइडिंग ऑलवेज, हमेशा डिवाइड करती रहती है हमेशा. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये हमेशा डिवीजन करती रहती है. ठीक है बेटा, तो इसके तीन पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम पोजीशन के बेसिस पे, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलेरी मेरिस्टेम. एपिकल एपेक्स लीफ है, ये लीफ का जो आगे वाला पार्ट है आपने देखा है ना, यंग होता है सॉफ्ट, स्टेम का ऊपर वाला पार्ट देखना, रूट का नीचे वाला पार्ट देखना, बिल्कुल आगे वाला जहाँ पे ग्रोथ होती है, ये बिल्कुल यंग पार्ट्स होते हैं. ये जैसे शूट है, शूट मीन्स स्टेम, ये एपिकल पार्ट है, एपेक्स. ठीक है, ये रूट है, रूट का एपिकल पार्ट. ठीक है, दिस इज द एपिकल पार्ट ऑफ शूट और स्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टेम. सो बेटा, एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स पार्ट ऑफ द रूट, शूट और लीफ, यंग लीव्स. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, टू ग्रो द प्लांट. ओके, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, राइट. So this is the apical meristem. Second one is lateral. It is present on the lateral side, tangential plane. Tangential plane क्या होता है? Normally growth कैसे होती है? ऐसे ऊपर की तरफ हो गई, shoot में, root में नीचे की तरफ हो गई, cell division हो रहा है. जब growth इस तरह से होती है, tangential plane. आप देखते हैं trunk होता है tree का, वो इस तरह से कुछ grow करता है, तभी तो वो broad हो जाता है. भाई अगर growth ऐसे हो रही है longitudinally और नीचे की तरफ, तो वो ऐसे ब्रॉड कैसे हो रहा है? आप स्टेम भी देखिए, व्हेनेवर इट बिकम्स ओल्ड दे बिकम ब्रॉडर एट द बेस. सो हाउ इट टेक्स प्लेस, बाय मींस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट एंड हेल्प्स टू एक्सपेंड द गर्थ ऑफ द ट्री, चौड़ाई बढ़ा देते हैं वो ट्री की. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरकैलेरी. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आप देखते हैं बेटा, जब शूट देखते हैं आप, स्टेम ऐसे करके नोड होती है, यहाँ से लीव्स निकली होती है, ऐसे करके नोड होती है, यहाँ से लीव्स होती है, इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज नोन एज इंटर नोड एंड इंटर कैलेरी मेरिस्टेम आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द इंटर नोड पार्ट ऑफ द मेरिस्टेम. सो इट ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी डायग्राम, सो इन एनसीईआरटी this sort of diagram is given in which the three meristems are located. This is the apical meristem, this is internode or intercalary, and this one is lateral meristem. तो तीनों meristem को आप एक ही stem पे show कर सकते हैं. Okay बेटा, so this is all about the meristematic tissue or it is a part of plant tissue. Children, in the next video we will study about the permanent tissue, but don't forget to subscribe my channel. Okay.